चलिए, तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रूफ करने वाले हैं एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। यहाँ पे एफ क्या है? एफ इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन एंड प्लैनेट। आर क्या है? आर हो गया रेडियस ऑफ ऑर्बिट। तो इस रिलेशन को प्रूफ करने के लिए न्यूटन ने केपलर्स का लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन का हेल्प लिए थे। तो उन्होंने किस तरह का हेल्प लिए? पहला ये था कि न्यूटन मतलब केपलर्स का पहले हम लोग लॉ देख लेते हैं, ठीक है। केपलर्स जो लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन जो उन्होंने दिया था वो क्या क्या है वो हम लोग शॉर्ट में देख लेते हैं। देखिए, केपलर्स का तीन लॉ था, एक फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। पहला लॉ क्या बोलता है? लॉ ऑफ ऑर्बिट, यानी कि अगर ये कोई एक प्लानट है और एक सन है, तो जब भी प्लानट सन के अराउंड रिवॉल्व करता है तो इस ऑर्बिट का शेप कैसा होता है? एलिप्स होता है, नॉट एन एग्जैक्ट सर्कल, ओके। इसके साथ इन्होंने ये भी बताया था कि सन का जो पोजिशन होता है वो F1 या तो F2 पे होगा। दूसरा लॉ क्या था? लॉ ऑफ एरियाज। लॉ ऑफ एरियाज का मतलब क्या है कि मान लिया जाए कि कोई एक लाइन है जो प्लैनेट और जैसे सन और प्लैनेट को ये ज्वाइन किया। कौन सा लाइन? ये देखिए, ये लाइन जो है प्लैनेट और सन को ज्वाइन किया, तो ये बोला जाता है ये लाइन जो है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एरिया कवर करता है, ठीक है। जैसे मान लिया जाए हमने टाइम 1 मंथ ले लिया, तो 1 मंथ में मान लिया जाए इसने इतना एरिया कवर किया। फिर मान लिया जाए डी से ई मूव किया, डी से ई मूव करने में फिर से 1 मंथ लगा, और 1 मंथ में फिर से इसने ये एरिया को कवर किया। तो हम ये बोल सकते हैं एरिया ऑफ F1, C और D, ये एरिया और ये एरिया क्या होगा? इक्वल होगा। जब टाइम इंटरवल इक्वल होगा तो एरिया भी क्या होगा? इक्वल होगा। तो ये था केपलर्स का सेकेंड लॉ। केपलर्स का थर्ड लॉ क्या था? लॉ ऑफ पीरियड। लॉ ऑफ पीरियड का मतलब क्या है? मान लिया जाए प्लानिट यहाँ से मूव करना शुरू किया और फाइनली ये यहीं पे मतलब एक कंप्लीट रोटेशन लगाने में इसे सपोज दैट टाइम जो लगा वो टी लगा, ठीक है। और जो लॉ ऑफ पीरियड है उसमें ये बोला गया कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू। आर यहाँ पे क्या है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस का आधा को क्या बोलते हैं? सेमी मेजर एक्सिस। तो सेमी मेजर एक्सिस का जो भी लेंथ है वो उस मतलब टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू। ये होता है केपलर्स का थर्ड लॉ। और जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन इक्वल टू में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट आता है जिसको मैंने के से रिप्रेजेंट किया, ओके। तो अभी जो हम लोग हैं एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, जो अभी हम लोग ये प्रूफ करने वाले हैं, इसको प्रूफ करने के लिए न्यूटन्स ने किससे दो लॉ का हेल्प लिया? इन्होंने न्यूटन्स ने केपलर्स का एक फर्स्ट लॉ का हेल्प लिया, और दूसरा क्या है? न्यूटन्स ने केपलर्स का थर्ड लॉ का हेल्प लिया, और इस दो लॉ के बेसिस पे इन्होंने प्रूफ किया कि एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देख सकते हो कि जितने भी प्लैनेट, ये देख रहे हो जितने भी प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करता है ना, तो ये जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट का शेप आपको कैसा देखने को मिल रहा है? तो एक तरह का एलिप्स शेप देखने को मिल रहा है। तो पहला इन्होंने क्या एजम्पशन किया कि जो ऑर्बिट का शेप एलिप्स है ना, उसको क्या कर देते हैं? सर्कल एजम्पशन करके चलते हैं। तो ये देख रहे हो, ये कुछ फिगर ऐसा हुआ। और दूसरा लॉ क्या था? मतलब केपलर्स का थर्ड लॉ इन्होंने यूज किया। चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि ये जो दो लॉ का यूज करके केपलर्स ने ये प्रूफ किया वो कैसे किए। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं ये डिस्टेंस बिटवीन सन और अर्थ को आर मान लिया, तो हम यहाँ पे कुछ एजम्पशन कर लेते हैं। लेट एम, एम विल बी द मास ऑफ द अर्थ। लेट एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास ऑफ अर्थ, या तो हम अभी बोल सकते हैं प्लानिट ही मान लेते हैं, कोई भी प्लानिट हो सकता है। वी इज इक्वल टू आप कह सकते हो स्पीड, ठीक है, यहाँ पे स्पीड मान करके चलना, स्पीड ऑफ प्लानिट, ओके, ठीक है। उसके बाद आर क्या हो गया? आर यहाँ पे हो गया रेडियस ऑफ ऑर्बिट, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ओके। टी क्या हो गया? कैपिटल टी, कैपिटल टी हो गया टाइम टेकन बाय प्लैनेट टू कंप्लीट वन रोटेशन, टू कंप्लीट वन रोटेशन, टू कंप्लीट वन रोटेशन, या रेवोल्यूशन बोल सकते हो, रेवोल्यूशन ही वर्ड यूज करते हैं। मतलब ये बोला जा रहा है ये यहाँ से स्टार्ट किया और फाइनली जब ये यहाँ तक पहुँचा तो इसे कितना टाइम लगा? टी लगा, ओके। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हमें ये पता है कि कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो इसे सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए एक फोर्स की जरूरत होती है जिसको कहा जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है? टुवर्ड दी सेंटर। तो हम ये बोल सकते हैं कि इस सिचुएशन में सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? तो ये सन। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट, एक्ट ऑन किस पे लग रहा है? प्लैनेट। कौन लगा रहा है? ड्यू टू सन, ड्यू
ड्यू टू सन इज गिवन बाय, इज गिवन बाय, तो हमें पता है सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी स्क्वायर बाई आर हो गया। ओके चलिए इसको इक्वेशन वन हम लोग मान लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर मान लिया जाए वी को हमने स्पीड माना, ठीक है, वी को हमने क्या माना, स्पीड माना, तो अगर कोई बॉडी एक कंप्लीट रोटेशन लगाता है तो इस सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर, और एक कंप्लीट रोटेशन लगाने में से कितना टाइम लगा, टी, तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम, दैट इज बी इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2 पाई आर बाई टी होगा। ठीक है, नाउ तो हम लिख सकते हैं इक्वेशन वन बिकम्स, मतलब ये है कि इस वी का वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं, तो हम ये लिख सकते हैं इक्वेशन वन बिकम्स, इक्वेशन वन बिकम्स एफ इज इक्वल टू एम, और ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर बाई टी और इसका होल स्क्वायर और बाई ये आर, यानी जहाँ वी था वहाँ पे हमने 2 पाई आर बाई टी, ठीक है, ये पुट किया। नाउ अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, एम ये 2 पाई स्क्वायर, सॉरी सॉरी सॉरी, 2 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, और देखिए टी का होल स्क्वायर टी स्क्वायर, और ये आर जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, दैट इज आर। ठीक है, नाउ अब यहाँ से आप ये देख सकते हो कि एक आर और एक आर ये जो है कैंसिल हो रहा है, तो हम एफ इज इक्वल टू ये लिख सकते हैं 4 पाई स्क्वायर एम आर बाई क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। ओके नाउ इसको हम इक्वेशन टू एजम्पशन कर लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे टी स्क्वायर आया, हम लोग न्यू ये कैपलस का जो थर्ड लॉ है, दैट इज टी स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यूब, ये हम लोग यूज करेंगे। ओके तो अभी इसको मैं इक्वेशन टू मान लेता हूँ। ओके नाउ अब हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कैपलस थर्ड लॉ, कैपलस थर्ड लॉ, ठीक है, टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के आर क्यूब हो जाएगा, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ सॉरी रेडियस ऑफ ऑर्बिट भी बोल सकते हो, या डिस्टेंस बिटवीन सन एंड द अर्थ बोल सकते हो। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि जहाँ टी स्क्वायर है ना, इसके प्लेस पे अब हम लोग क्या पुट करेंगे, के आर क्यूब, तो हम ये लिख सकते हैं इक्वेशन टू बिकम्स एफ इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एम आर और बाई क्या हो जाएगा, के आर क्यूब हो जाएगा। ओके नाउ अब यहाँ पे ये देख सकते हो कि एक टर्म जो है वो कैंसिल हो रहा है, और कैंसिल क्या हो रहा है, यहाँ से एक आर और इसका एक आर जो है वो कैंसिल हो रहा है, ठीक है, मतलब ये 2 बार में, दैट इज एफ इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एम और ये हो जाएगा के आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि इसको छोड़ करके, मतलब आर स्क्वायर को छोड़ करके जितना भी टर्म है ये सारा को हम लोग कांस्टेंट बोलेंगे, क्यों, क्योंकि के क्या है, एक तरह का कांस्टेंट ऑलरेडी है, 4 भी एक तरह का कांस्टेंट है, पाई भी एक तरह का कांस्टेंट है, एम मास ऑफ द बॉडी कभी भी ये चेंज नहीं होता है, दैट इज वो भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि एफ जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और ये कब होगा, जब आर स्क्वायर को छोड़ करके जितना भी टर्म है वो सारा कांस्टेंट हो रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि 4 पाई स्क्वायर एम और बाई यहाँ पे के, ये सारा क्या हो गया, एक तरह का कांस्टेंट हो गया। ठीक है, एक तरह का ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो हम ये बोल सकते हैं इस एफ को आप सेंट्रिपिटल फोर्स भी बोल सकते हो, या एक तरह का ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोल सकते हो, तो एफ को यहाँ पे मतलब इस रिलेशन को हम ऐसे स्टेटमेंट में बोल सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन एंड प्लैनेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन।